हेलो डियर स्टूडेंट, हमें MHT-CET की तैयारी करनी है तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरा चैनल है मैथ्स मैजिक्स बाय ज्ञानेश्वर पाटिल, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी देखें। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द MHT-CET 2020। 2020 में जो CET का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम कुछ मार्किंग इंक्रीज़ होगी, मैथमेटिक्स के ऊपर कौन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 11th और 12th का कितना सिलेबस आएगा, हाउ मेनी मार्क्स ऑफ वन ईच क्वेश्चन, तो कितने आएंगे हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो CET जो है हमारी MHT-CET, ये टोटल है 200 मार्क्स की CET का पेपर हमारा होगा। टोटल पेपर जो होगा वो ऑनलाइन पेपर में आपको उसको सॉल्व करना है। टोटल आवर्स जो है टाइम ऑफ सीईटी एग्जाम इज 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर्स आपके पास है। उसमें से हमें क्या है, अगर हम PCM ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो PCM में हमें क्या आएगा, तो PCM टोटल क्वेश्चन होंगे 150 यानी उसमें 50 मार्क्स के मैथ 50 क्वेश्चन इन मैथ्स और मैथ्स के लिए होंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो है फिजिक्स एंड टोटल क्वेश्चन 100 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 में से 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं और 100 क्वेश्चन जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो टोटल 50 क्वेश्चन है हमारे, तो 50 क्वेश्चन में हमें क्या आएगा, 50 क्वेश्चन में जो है और मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में हमें 11th और 12th मैथ्स के ऊपर क्या आएगा, मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 11th के सिलेबस के ऊपर आएंगे, 11th सिलेबस, और 40 क्वेश्चन वो आएंगे 12th के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है वो 11th के सिलेबस के ऊपर आएंगे और 40 क्वेश्चन जो है वो 12 के सिलेबस के ऊपर आएंगे। अब ये मार्क्स क्यों कैसे है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है, और मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स के लिए 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मैथमेटिक्स में 2 मार्क है और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 मार्क है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 मार्क होंगे, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो क्या 50 × 2 = 100, टोटल 200 मार्क्स की हमारी एग्जाम है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। तो हमें प्रिपरेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, 11th के सिलेबस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और 12th के सिलेबस भी ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो 12th के सिलेबस ऊपर मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आते हैं, लेट मीन 80 मार्क्स और 20 मार्क्स ये 11th के ऊपर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आज से शुरू करना है तैयारी, तो हमें पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने होंगे कि क्या रहता है क्या नहीं उसके, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे मार्किंग्स क्यों होंगे हमारे, टोटल मार्क्स है 200, उसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 100 मार्क्स। ठीक है, उसमें मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स के लिए भी है 100 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन
और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो है 100 क्वेश्चन, और मैथ के लिए क्या है, मैथ्स के लिए है 50 क्वेश्चन, उसमें एक मार्क के लिए ये 1 मार्क एंड ये क्या है 2 मार्क्स। ठीक है, हमारे एग्जाम जो है वो है एग्जाम डेट जो है ऑनलाइन वो है 13 अप्रैल 23rd अप्रैल। ठीक है, इसके बीच में हमारा पेपर होने वाला है। सेंटर जो है आपका, जो हमने वहां पे इंडिकेट किया है फॉर्म 32 में, वही सेंटर आपका रहेगा। फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस इसके हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएगा। 13 अप्रैल to 23rd अप्रैल तक है ऑनलाइन एग्जाम है ये पूरी। आपका टाइमिंग जो है वो आपको रीच होना है बिफोर 8:45, 9 बजे एग्जाम शुरू होने लगा है, 9 AM एग्जाम स्टार्ट, 8:45 बिफोर 8:45 से पहले आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे पहुँचना है। तो ये मैथ्स के लिए एग्जाम है, टोटल यहाँ पे नो नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम नहीं है, नेगेटिव सिस्टम नहीं है, कैंसल नेगेटिव सिस्टम है। इसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए कोई नेगेटिव मार्क नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग स्कीम एंड मैथ्स के ऊपर और फिजिक्स केमिस्ट्री पर कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के ऊपर 11 में कितने आएंगे, 12 में कितने आएंगे, ये आपको अच्छी तरह से करना है। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रिपरेशन। ठीक है,